अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू स्टूडेंट? वेलकम टू वीक 7 इन ऑनलाइन स्टडी इन इंग्लिश लिटरेचर. इन दिस वीक वी विल स्टडी पोएम. सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम अगेंस्ट इवल कंपनी. ओके स्टूडेंट, ओपन योर इंग्लिश लिटरेचर बुक वी लर्न इंग्लिश ऑक्सफोर्ड क्लास 7 एंड गो टू पेज नंबर 8 फॉर द पोएम अगेंस्ट इवल कंपनी. अगेंस्ट द इवल कंपनी यानी बुराई से दूर हटना, ऐसे बुरी सोहबत से दूर हटना. वाई शुड आई ज्वाइन विद दोज इन प्ले इन होम आई हैव नो डिलाइट. मैं ऐसे लोगों के साथ क्यों खेलूँ या क्यों रहूँ मैं उनके साथ जो जिनसे मुझे साथ खेलने में मुझे कभी मसरत या खुशी महसूस नहीं होती. हु कॉल्स एंड स्वेयर बट नेवर प्रे, हु कॉल इल नेम एंड फाइट. जो दुआएं देते हैं, कस्में खाते हैं मगर कभी दुआ नहीं करते या प्रे नहीं करते और हमेशा बुरे नामों से एक दूसरे को पुकारते हैं और लड़ते झगड़ते हैं. आई हेट टू हेयर द वॉन्टन सॉन्ग. मुझे बहुत बुरा लगता है ऐसे फहाश या शौक चंचल सॉन्ग सुनना. देयर वर्ड्स ऑफन माई ईयर्स, मेरे वो अल्फाज हमेशा मेरे कानों में गूंजते हैं. आई शुड नॉट डेयर डिफ्लाइन माई टंग. मैं अपनी ज़बान को कभी उस बुरी अल्फाजों से बेहरमत नहीं करना चाहता या मैला नहीं करना चाहता. विद लैंग्वेज सच एज देयर्स, जैसे कि उन सब की लैंग्वेज है. अवे फ्रॉम फूल्स आई विल टर्न माई आइज. ये सारी बुराइयों से या बेवकूफ़ियों से मैं अपने आप को दूर रखना चाहता हूँ. नॉर विद द स्कॉफर गो, और ना ही मैं स्कॉफर्स यानी कि मजाक उड़ाने वालों के साथ हूँ. आई वुड बी वॉकिंग विद द वाइज. मैं हमेशा होशियार लोगों के साथ चलना चाहूँगा. दैट वाइजर आई मे ग्रो, ताकि मैं भी उन्हीं की तरह अच्छा ग्रो हो सकूँ यानी कि बड़े से परवान चढ़ सकूँ. From one rude boy that's used to mock, एक बुरा यानी बदतमीज लड़का जो हमेशा मजाक उड़ाता है. 10 learned से 10 सीखते हैं और जैक्ट विकेट जेस्ट, और वो भी बुराइयों में शामिल हो जाते हैं, उनको भी सोबत में आ जाते हैं. ऐसी जैसे वन सीकली शेप इन्फेक्टेड द फ्लॉक, जैसे एक बीमार भेड़ जो है वो पूरे रेवर को असरअंदाज करता है और एंड पॉइजन्स ऑल द रेस्ट, और जो बेचारे बच्चे होते हैं उन सब में उस पॉइजन फैला देता है. This poem is written by the Essex Watt. Okay, student, make a title page for the poem. Unit number 1's poem, Against Evil Company, Working, words meaning 8, difficult words 5, center idea, activity, passage and vocabulary 1-1. Okay, student, prepare for words meaning your page. Words, write words meaning on borderline. Then question, write English and Urdu meaning of the following words. Make columns, words, English meaning, Urdu meaning. First word, course. English meaning, imprecation. Urdu meaning, baddua, lanat. Number two, delight. English meaning, pleasure. Urdu meaning, musarrat, khush karna. Number three, swear. English meaning pledge, Urdu meaning kasam khana. Number 4, scoffer. English meaning mocker, Urdu meaning mazak karne wala. Number 5, wanton. English meaning obscene, Urdu meaning shok chanchal. Number 6, flock. English meaning herd, Urdu meaning river. Number 7, wiser. English meaning intelligent, Urdu meaning hoshiyar. Number 8, defile. English meaning desecrate, Urdu meaning behurmati karna, mala karna. Write heading difficult words. First word is scoffer, S-C-O-F-F-E-R-S, scoffers. Number 2, wanton song, W-O-N-T-O-N-S-O-N-G song, wanton song. Number 3, tongue, T-O-N-G-U-E tongue. Number 4, poison, P-O-I-S-O-N-S, poisons. Number 5, delight, D-E-L-I-G-H-T, delight.
डू योर वर्क, नीट एंड क्लीन. हैव अ गुड डे.